ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पीएमश्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रायपुर में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। राज्य शासन ने शारदीय नवरात्र पर प्रदेश की विभिन्न शक्तिपीठों में ज्योति कलश और प्रसाद के लिए देवभोग घी का उपयोग करने के दिए निर्देश। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के 78 स्कूलों को पीएमश्री योजना की स्वीकृति मिली है। प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या अब 341 हो चुकी है जिनका पीएमश्री योजना के तहत उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमश्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 100 नए सदस्यों को भाजपा की ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य इस बार 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को 100 नए लोगों को भाजपा का सदस्य बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 26 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर आएंगे। अपने रायपुर प्रवास के दौरान वे सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के साथ ही पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देशभर में जल्द ही प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आर जया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज देशभर के जिला कलेक्टरों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत जिले के जनजाति बहुल 46 गांवों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत चयनित गांवों में विभागीय योजनाओं का शत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। इस अभियान में अधोसंरचना विकास सहित बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया जाएगा। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आगामी शारदीय नवरात्र पर प्रदेश की विभिन्न शक्तिपीठों में ज्योति कलश प्रज्वलित करने और प्रसाद निर्माण के लिए देवभोग घी का उपयोग किया जाए। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ दुग्ध व्यवसाय का शीर्ष स्थान है। इसके द्वारा प्रदेश में लगभग 700 दुग्ध सहकारी समितियों से संबद्ध 30,000 से अधिक पशुपालक परिवारों से दूध का संकलन किया जाता है। इसके द्वारा मानकों के अनुरूप दूध और दूध से बने अन्य उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। कलेक्टरों को भेजे पत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा है कि शक्तिपीठों में देवभोग घी के इस्तेमाल से राज्य के पशुपालकों का हित होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत मुंगेली जिले के लछनपुर गांव में घर घर आयुष्मान हर घर आयुष्मान नारे के साथ स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को आयुष्मान के लाभ और आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया गया। वहीं बलरामपुर में आयुष्मान पखवाड़े के तहत हाईस्कूल मैदान से जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली हाईस्कूल ग्राउंड से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड में समाप्त हुई। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बसंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया और लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक किया। उधर कोंडागांव जिले में आयुष्मान पखवाड़े के तहत 20 से 30 सितंबर तक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसे हितग्राही जिनका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनके घर जाकर और गांव में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान सभा और जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच जशपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोदाम में वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में बुजुर्गों की एनीमिया, शुगर और खून की जांच की गई। साथ ही स्कूली बच्चों को पोषण आहार की जानकारी दी गई और उनके हीमोग्लोबिन के स्तर को भी जांचा गया। वहीं जिले के ही खोंगा गांव के रहने वाले सुखनाथ राम का इलाज के दौरान ही आयुष्मान कार्ड बनाकर निःशुल्क इलाज किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युगदृष्टा थे जिनके विचारों और सिद्धांतों ने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा दी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्री साव बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर जिले में माना बस्ती के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू और पंचायत और ग्रामीण विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने नागरिकों और विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सामूहिक रूप से श्रमदान किया और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर कबाड़ से जुगाड़ के तहत बच्चों द्वारा बनाई गई मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कोंडागांव जिले में कलेक्टर कुणाल दुदावत और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक और कचरा मुक्त बनाने के साथ साथ स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया के वाहन पर आज आकाशीय बिजली गिर गई। श्री राठिया सुरक्षित हैं। घटना के समय वाहन में करीब 6 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को मामूली चोट पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार श्री राठिया आज ग्राम सरायपाली गेरवानी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके वाहन के अगले हिस्से में आकाशीय बिजली गिर गई। दुर्ग में चल रही अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता में बीएसएफ दूसरे और राजस्थान पुलिस तीसरे स्थान पर रही। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने विश्व विजय सिंह तोमर को छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री तोमर सरगुजा जिले के रहने वाले हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रायपुर के सकरी में स्थित शासकीय आईटीआई में पीपल के पौधे का रोपण किया। राजनांदगांव जिले में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित सीआरसी द्वारा सांकेतिक भाषा जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। जशपुर जिले के तमनार और बगीचा में जल्द ही अपेक्स बैंक की 2 नई शाखाएं खोली जाएंगी। झारखंड के लातेहार में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और गोरखपुर सांसद रवि किशन शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज अन्य प्रकरणों की वजह से फिलहाल जेल में ही रहना होगा। लोक निर्माण विभाग ने 32 अभियंताओं के नए पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इनमें कार्यपालन अभियंता से लेकर सहायक और उप अभियंता शामिल हैं। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र के बकारुमा रेंज में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शासकीय स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे को तंबाकू मुक्त करने येलो लाइन अभियान चलाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग ने राजनांदगांव के कार्यपालन अभियंता ए के चौहान को बीते 2 सितम्बर को आयोजित विभागीय मंत्री विजय शर्मा की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर निलंबित कर दिया है। दुर्ग के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में कल 26 सितम्बर को सुबह 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सिद्ध बाबा संपार फाटक मरम्मत कार्य के चलते 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से 29 सितंबर की सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में कल 26 सितंबर को 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा और बिलासपुर में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बिलासपुर ओवरऑल चैंपियन रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रायपुर में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। राज्य शासन ने शारदीय नवरात्र पर प्रदेश की विभिन्न शक्तिपीठों में ज्योति कलश और प्रसाद के लिए देवभोग घी का उपयोग करने के दिए निर्देश और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।